खबर गाजीपुर के देवकली ब्लॉक से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। ग्राम प्रधान उदयनाथ चौबे व ग्रामवासियों के सहयोग से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम सफल हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीमा द्विवेदी, राज्यसभा सांसद जौनपुर का भव्य स्वागत किया गया। ग्राम प्रधान उदयनाथ व ग्रामवासियों के द्वारा किया गया इस यात्रा में ग्रामीणों की प्रमुख समस्याओं को विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर निवारण किया गया। इस दौरान सभी विभागों के लोग मौजूद रहे। ग्राम पंचायत दुबैठा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग कर लाभार्थियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रमाण पत्र वितरित किया गया तथा ग्रामवासियों को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी भी दी गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत राष्ट्र को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने, भारत की एकता को सुदृढ़ करने हेतु दिए गए मंत्र का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता जिला महामंत्री दयाशंकर पांडे, आसू दुबे, देवकली मंडल अध्यक्ष प्रवीण त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य अभय प्रकाश सिंह व अन्य संबंधित अधिकारीगण, कर्मचारीगण व पात्र लाभार्थी एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित थे। बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की बना करके महिलाओं का सम्मान प्रधानमंत्री जी ने जो बनाया है, आज महिलाएं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हुई हैं। हमारे अधिकारी आए, वीडियो साहब आए हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप आयुष्मान कार्ड ज्यादा बनवाइए, गैस का चिन्हित करिए कि किसके पास अभी योजना का लाभ मिला नहीं है, किसके पास शौचालय नहीं है, किसके पास आवास नहीं है, बारी बारी से सबको दीजिए। आप प्रतीक्षा करिए, आप इंतजार करिए, आप धैर्य के साथ इंतजार करिए। जो विकास की गाड़ी चल रही है, ये बहुत तेजी के साथ चल रही है, ये हमारा विकास का पहिया रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी ने विकास के रास्ते को पहचान लिया है और विकास किसका करना है ये भी उनको पता है। तो मैं आज इस कार्यक्रम के अवसर पर अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने परिश्रम करके यहाँ पर एक मीटिंग कराई, प्रधान जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने अपने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। और मैं प्रधान जी को मैं बधाई देना चाहूंगी, कभी वीडियो साहब हमको लिस्ट दिखा रहे थे, अच्छी खासी प्रगति आपके गाँव में है, आपने अच्छा काम किया, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। लेकिन मैं बाकी लोगों से कहना चाहूंगी, जिसको आवास नहीं मिला है, शौचालय नहीं मिला है, उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है, किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला है, आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिला है, आप जाकर के अपना नाम दिखाइए, आप जाकर के अपनी उपस्थिति को दर्ज कराइए और देखिए सरकार कैसे सबके बारे में सोच रही है। आने वाला वो दिन दूर नहीं जब भारत बहुत तेजी के साथ और आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारत ने संकल्प लिया है 2047 को विकसित भारत देश हमारा बनेगा। इन्हीं जनतत्वों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।